मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर सर्कुलेशन में परिवर्तित हो गया है। इस सिस्टम के असर से कोटा संभाग के जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 10 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन के हिमालय की तरफ खिसकने से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और परिणाम स्वरूप राज्य के ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। 10 अगस्त से 17 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने और पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग की यदि हम बात करें तो यहां आगामी 10 से 12 दिन में मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा। बीकानेर संभाग के जिलों में आगामी 2 दिन छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बीकानेर संभाग में 9 अगस्त से 17 अगस्त के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।